तो देखो सेम कुछ ऐसे है ना कि इस लॉकडाउन में ना कितना सता रखा है मुझे। मतलब भाई साहब बोरियत की सारी हदें पार कर चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी अपना आलस जो है ना वो जाने का नाम ही गंदे आदमी। तुम कौन हो? भविष्य हूँ मैं। ज़्यादा लोगों ने मेरे को बोल दिया है ना नेल्स काटने के लिए कि अब अच्छा क्या होता है ना नेल्स काटने में भाई नाखून देख हरकतें देख तू अपनी। तुम जैसे लोगों की वजह से ना कोरोना फैलता है भाई। सारा नाखून महीने महीने पर काट रहे हमारी दुनिया भर का काम। अरे तुम भविष्य हो तो भविष्य में जाओ। हाँ तो भविष्य में ही हूँ देख रहे हो। देखो हाँ ठीक है ये कहानियां बताएंगे दुनिया भर की। तुम ही बोल लो पहले। नाखून अपन किस लिए नहीं काटते ना कि जब अपन छोटे थे ना 12th तक तो अपन ना मुंह से काट लेते थे। अभी क्या मैंने वो इतनी गंदी आदत थी कि मैंने वो जैसे तैसे छुड़ाई है। अब उसके बाद नाखून काटने में मुझे इतना आलस आता है। देखो अपना आलस जो है ना बड़ा सेलेक्टिव टाइप का है। केवल सेलेक्टिव देख ये आदमी जी रहे हैं टर्म बना पहले मैं ट्यूब कर ही लेता हूँ। ये सब इसलिए कर रहा हूँ ना कि दाढ़ी मैं काटता नहीं हूँ, सेव नहीं करता हूँ, ट्रिम करता हूँ तो कम से कम इधर से नहीं बोलते दुनिया में। ठीक है नाखून भी तो महीनों महीनों भर नाखून नहीं काटते लोग। हो गया सारा जुगाड़ अपना। कहाँ आगे जाएंगे कहाँ जाएंगे। ये देखो कट के मेरे नाखून नाखून काट लिया तो इसके तो दिखा नहीं रही चीज़ें। ये देखो क्या प्रॉब्लम है भाई। जैसे बड़ा बहुत मेरे नाखून मैं दिखा रहा हूँ। ये हम नाखून दिखाने वाले क्या चीज़ है उनके ऊपर सेव कर सेव करता हूँ यार। ये तो बोलता रहेगा जानवर जैसे लग रहा है। लेकिन देखो भविष्य जो है ना भविष्य बड़ा सुनहरा है। अरे हाँ दादा समझदार ठीक है तुम सेव करो ठीक है बाबू। देखो तुम भविष्य हो इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे से ज़्यादा समझदार हो जाएगी समझे। मैंने ही तुम्हें बनाया बाबू। मैं देखो भविष्य होने के नाते मेरे से ना ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही। देख लो इन्हें शर्म नहीं आती। शर्म क्यों आएगी ऐसी गंदगी में मैं नहीं जी सकता। अगर वो फ्लिपकार्ट का पेपर नीचे बिछा रहा है इनके पास वो भी नहीं है सेव करने का मौका ही नहीं यहाँ मिलता कैमरे पे देख रहा हूँ। मैं तो सेव कर लिया तो क्या बहुत बड़ा तुमने मैं दिखा रहा हूँ तेरे को क्या दिक्कत है। मेरी सेविंग अच्छी लग रही है मुझे मेरे व्यूअर्स हैं। तू थोड़ी ना है तूने थोड़ी ये बनाया है। कुछ लोगों को ना जिंदगी भर तकलीफ रहती है चाहे भविष्य हो फोन में ले लिया और पता नहीं क्यों ये मेरे भविष्य नहीं तो ये क्या पता इनका कुछ भरोसा थोड़ी। ये जो बाल है ना जिंदगी में आज तक भाई साहब मैंने कितनी कोशिश कर ली जब मैं 3-4 दिन नहीं नहाता हूँ ना तभी अच्छे होते हैं या सुबह उठ के उठता हूँ मैं बिना कुछ किए तभी मेरे बाल अच्छे लगते हैं। नहा लो शैम्पू कर लो तेल लगा लो भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अच्छे लग जाएंगे। 2 दिन ना नहाओ एक नंबर। ऐसा डराओ मत यार तुम साला ऐसे ऐसे मारते हो। मैं सोचा कौन आ गया मुझे मार पीटने के लिए। अच्छा पानी भी मिलता है वहाँ पे कमल भी जो दिखोगे वो सही लगेगा। तो जब तुम्हारा रूम तुम्हारे हिसाब से इतना अच्छा है तो मैं वीडियो पे क्यों ना डालूं। देखो तुमको कमल का वीडियो दिखा रहा था तुम कचरे पे क्यों करते हो। तो इसका मतलब तुम्हारा रूम कचरा है। लाइफ में कुछ प्राइवेट चीज रहना चाहिए शक्ति साहब ऐसा बोल रहे हैं तो आई प्रेजेंट यू आफ्टर
रियली रियली लॉन्ग टाइम आई प्रेजेंट यू द सर्व शक्तिमान श्री श्री 1008 श्री शक्ति प्रसाद साहू। तो अभी देखो क्या है कि इस वीडियो का मतलब जो बनाने का एक ही मुद्दा था हमारे, मतलब जीवन का जो एक ही उद्देश्य था कि शक्ति प्रसाद साहू की शादी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मैं इनकी शादी में गया नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आई रियली वॉन्टेड टू गो एंड सी एन ओडिया मैरिज, बट ठीक है, जो भी हुआ घटनाएं, उन घटनाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे हम इस बात से बढ़ेंगे कि शक्ति साहब की शादी हो गई, कैसा लग रहा है आपको? शादी के बाद सब कुछ अच्छा हुआ। क्या अच्छा क्या हुआ? एक महीना तक पूरी गए थे हम लोग, तो अच्छा खासा घूमना। भाई साहब तुम्हें देखो तो बाकी सारी बातें एक तरफ, इनके अंदर की भक्ति देख रहे हो तुम। शादी के बाद हनीमून मनाने भाई साहब पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर कौन जाता है? अरे पूरी जगन्नाथ सिर्फ भक्ति का प्लेस भी है और घूमने का भी प्लेस है। इस बात में बोलना चाहता हूँ, हाँ। जैसे देखिए आप लोग जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो कैसा फीलिंग आता है, मतलब ठंडी ठंडी 7 बजे ठंडी ठंडी हवा और नंगी पैर नंगी रहती है यार, अश्लील बातें कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा? कैसा लगा मतलब एक महीना तक बहुत अच्छा लगा, अभी दूर है कि थोड़ा घर पे मतलब शक्ति जी के साथ अभी मतलब क्या बोलते हैं कि दुर्घटना क्या हो गई ना भाई साहब, एक तो देखो एक तो नई नई शादी हुई है ना तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है ऐसा हमने सुना है, हमारी तो हुई नहीं भैया तो हमें पता नहीं इतना, शक्ति जैसा बता रहे हैं नई नई शादी हुई है कति मतलब आसमान पे थे ये साथ में, जैसे ही मोदी साहब ने मतलब इतनी अभी भाई साहब मोदी के खिलाफ इतना ये लड़का चला गया है, मोदी साहब कहीं नजर आ जाए ना तो मतलब क्या ही कर डाले ये। और कोई बात नहीं है, सिर्फ बात वही एक है, अलग कर दिया उसने। नहीं नहीं मोदी जी का तो बहुत अच्छा करें, मोदी के नाम पे क्यों। तो तुम्हें मतलब तकलीफ नहीं है इस लॉकडाउन से? हाँ लॉकडाउन से थोड़ा बहुत सबको तकलीफ हुए, लेकिन सबको छोड़ो तो अपनी बताओ, सबको तो क्या है? हाँ, हमें भी तकलीफ, हम भी जी रहे हैं भाई लॉकडाउन में, हम तो कति कति घूमने वाले आदमी, तो अपनी बताओ सबकी छोड़ो तुम्हें क्या तकलीफ हुई, तुम्हें क्या मिल नहीं रहा है दर्शन, भाभी जी का दर्शन नहीं मिल रहा है इन्हें? दर्शन की बात नहीं है, पता नहीं इस भीड़ में आपको ये एक ऐसी टेढ़ी सी डंडी नजर आ रही कि नहीं, ये देख रहो इसका मुद्दा ये है। तो भाई साहब शादी के बाद की शक्ति जी की कहानी ये है कि शादी के बाद शक्ति साहब यहाँ पे अपना मोबाइल लगाते हैं और उसके बाद वही। हाँ तो क्या कह रहे थे शक्ति जी? मैं बोल रहा था कि जो बुद्धिमान लोगों की जो निशानी होती हैं 10 निशानियाँ, हाँ, उसमें से एक निशानी ये भी है कि जो आप अगर सामान को ऐसे बिखेर लेते हो, क्या मतलब आपका रूम में आपका सामान बिखरा हुआ रहता है इस ऑर्गेनाइज्ड वे में, हाँ, तो वो ज़्यादा बुद्धिमान का संकेत है, वो एक चिन्ह माना जाता है। नहीं तो सारी मतलब तुम्हारी निशानियाँ तो सारी मिल रही हैं, तो बुद्धिमानी कहाँ है तुम्हारी है? मतलब भाई साहब इनने बुद्धिमानी के सारे गुण पढ़ रखे हैं, इनने सारे मिल भी रहे हैं इनसे, बस ये बुद्धिमानी नहीं हो रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कब आएगी बुद्धिमानी, गुड़ तो सारे बना दिया। शादी के बाद शक्ति जी का हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ है कि शक्ति जी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हालांकि ये दिख कतई एक नंबर रही है, शक्ति जी ने मतलब क्या ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, पौष्टिक आहार बना दिया है, कपिला पशु आहार। तो मैं अभी यही कपिला पशु आहार खाने जा रहा हूँ यार। एक चीज़ मेरे को बता दो भाई, ये उड़ीसा में ऐसा ट्रेंड है क्या कि आलू का छिलका छीला ही नहीं जाता सब्जी में, क्या है कि यार मतलब इतनी अच्छी सब्जी लग रही थी मुझे, इतना मन मेरा हो रहा था पर छिलका नहीं छीला हुआ है, छिलके से विटामिन यार। ये छिलके से जो विटामिन जाने वाला ज्ञान है ना, ये मेरी मम्मी भी बहुत दिया करती हैं, एक नंबर हेल्दी है भाई, शक्ति ने मतलब कमाल ही कर दिया है। ये देखो ये नए तरीके की बातें हमें बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में हमने बाहर का खाना छोड़ दिया, जैसे हम तो यहाँ गधे बैठे हुए हैं, अबे लॉकडाउन में बाहर का खाना मिल कहाँ रहा भाई। शक्ति क्या हो तुम? मेरे मतलब मेरे हिसाब मतलब, से मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। भाई साहब तुमने हमारा वीडियो मतलब 1-1.5 साल से तो देख रहे होगे, जो पुराने वाले होगे, तुमने शक्ति को भी बहुत बार देखा होगा और इनकी हरकतों से तुम भली भांति वाकिफ हो, तुम्हें मतलब ऊपर से लेके नीचे तक किसी अंग से ये स्पिरिचुअल लग रहा? ये मेरे को बोलता है देखो जो स्पिरिचुअल आदमी है ना
उसको फर्क नहीं पड़ता। तो है मतलब कुछ लक्षण है बताना भाई, कमेंट्स में बताना। ऐसा लक्षण कूट कूट के भरा हुआ है बस दिखाई नहीं देता है, वो अलग बात है। तो फिर ये वहीं आ गया लक्षण भाई साहब। इनने देखो, इनने जिंदगी में ना अलग फंडे अपना रखे हैं। हम तुम क्या करते हैं, हम तुम जिंदगी में अलग टारगेट रखेंगे कि हमें जैसा मान लो खिलाड़ी बनना है तो हम पहले खिलाड़ी बनेंगे ना, ये ऐसा नहीं करेंगे। इनका ऐसा नहीं है, इनका क्या, इन्हें खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी के लक्षण पालेंगे। कोई मतलब खिलाड़ी बन पाए नहीं बन पाए उससे मतलब, ये लक्षण पाल रहे हैं, सारे लक्षण इनके पास हैं, ये हैं लेकिन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो कुछ करना मत और कुछ बताना भी मत, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, शक्ति बाय।